गुड मॉर्निंग रफी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का, रीडिंग सी हामागुची। एनीवन वांट टू रीड? यस मैम। ओके, रीड इट। Read sea Hamaguchi along the sea coast in Japan. Earthquakes are sometimes flow by trap tidal waves called tsunami. This wonderful story of secrecies and alternate tale of such a tidal wave that struck a small village in Japan. Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in a village in Japan. His farmhouse stood on the edge of a plateau, a felt open space high up on the side of mountain. Behind his house, the mountain stood still higher and full of dense forest in front. It sloped gently down to the sea at the foot of the mountain. Along the shore was the little village made up of about 100 aged houses. A little apart of them stood the temple. On one afternoon, Hamaguchi said with his... Yes, ma'am. Stop. Reading C, Hamaguchi. एक पर्सन का नाम है हामागुची जो है। Along the sea coast in Japan, earthquakes are sometimes followed by terrible tidal wave called tsunami. Tsunami के बारे में सभी लोगों ने सुना ही होगा। Tsunami क्या होता है जानते? Yes, ma'am. Sea coast means होता है समुद्र तट, earthquake means होता है भूकंप, और terrible means होता है भयानक, tidal wave means होता है ज्वार भाटा, ठीक है? और सुनामी में से भयानक तूफान है ना। तो जापान में समुद्र तट के आसपास भूकंप कभी कभी भयानक समुद्री लहरों द्वारा। यस मैम, ज्वार भाटा किसे बोलते हैं? जब जो समुद्र का जो तट होता है ना, वहां पर समुद्र का जो पानी होती है, पानी जो होता है वो एकदम तेज आता है, वेव के टाइप आता है, ठीक है? यस मैम। तो जापान में समुद्र तट के आसपास भूकंप कभी कभी भयानक समुद्री लहरों द्वारा पीछा करते थे। वही समुद्री लहर को ही ज्वार भाटा कहते हैं, ठीक है? समुद्री लहर के द्वारा पीछा करते थे, जिसे सुनामी कहते हैं, सुनामी कहलाता था। दिस वंडरफुल स्टोरी ऑफ सैक्रिफाइस एंड अल्टरनेस टेल्स ऑफ सच अ टाइडल वेव दैट स्ट्रक अ स्मॉल विलेज इन जापान। सैक्रिफाइस मीन्स कुर्बानी, अलर्टनेस मीन्स होता है जागरूक होना, सजगता, ठीक है? स्ट्रक मीन्स होता है टकराना। तो यह जो स्टोरी है वह कुर्बानी और सतर्कता की एक खूबसूरत कहानी बताता है। एक ऐसा ही ज्वार भाटा की लहरें जो कि जापान में छोटे से गांव में टकराई। तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं। Long ago, an old man whose name was Hamaguchi lived in village in Japan. बहुत पहले एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम Hamaguchi था, जापान में एक गांव में रहता था। His farmhouse stood on the edge of plateau, a flat open space high up on the side of a mountain. फार्म हाउस मीन्स सब्जी या फसल का जो बाड़ा होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है? एज मीन्स होता है धार या किनारा, और प्लेट्यू मीन्स होता है पठार। तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम Hamaguchi था, जिसका फार्म हाउस एक ऊंचे खुले स्थान पर्वत के किनारे पठार के शिखर पर था, ऊपर था, ठीक है? बिहाइंड हिज हाउस द माउंटेन स्टूड स्टिल हायर एंड फुल ऑफ डेंस फॉरेस्ट। उसके घर के पीछे ऊंचा पर्वत खड़ा था और एकदम घना जंगल था। In front, it sloped gently down to the sea. At the foot of the mountain, along the shore, was the little village made up of about 100 thatched houses.
houses, a little apart from them stood the temple. Dense means होता है घना, slope means होता है ढलान, shore means होता है किनारा, thatch means होता है छप्पर. तो उनका जो घर था उसके घर के पीछे एक पर्वत खड़ा था, घना जंगल था, और सामने में यह धीरे धीरे समुद्र की ओर ढलान लिए हुए था. पर्वत के नीचे किनारे पर लगभग 100 छप्पर से बने घर वाला एक छोटा सा गांव था. उस एक छोटे से हिस्से में एक मंदिर था. ओके, ये पैराग्राफ सभी को समझ आया? यस मैम. ठीक है, सेकंड पैराग्राफ हम देखते हैं. मुस्कान जोशी रीड करो. यस मैम. वन आफ्टरनून हेमागुची सैट विद द गार्डन ऑन द बालकनी ऑफ हिज हाउस वॉचिंग द पीपल ऑफ द विलेज बिलो एंजॉयिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल. द राइस क्रॉप हैड बीन वेरी गुड एंड द विलेजर्स वर वेरी हैप्पी. ऑल द स्लोप एंड हाउसेस वर गेल decorated with paper lantern. The villagers wearing bright color cloth were about to start the harvest dance. My paragraph complete. Okay. One afternoon, Hamaguchi sat with his grandson on the balcony of his house, watching the people of the village below enjoying the harvest festival. एक दोपहर हमागुची अपने पोते के साथ अपने घर के बरामदे पर बैठा था, यह देखते हुए कि नीचे गांव के लोग फसल कटाई का उत्सव मना रहे. The rice crop had been very good and the villagers were very happy. All the shops and houses were gaily decorated with paper lanterns. The villagers wearing bright colored clothes were about to start the harvest dance. अचानक हाँ, तो लोग क्या कर रहे थे, फसल कटाई का उत्सव मना रहे थे. धान की पैदावार बहुत अच्छी हुई थी और गांव के जो लोग थे वो बहुत खुश थे. सभी दुकान और घर रंगीन कागजी दीपकों से सजाए गए थे. गांव के लोग फसल कटाई के नृत्य के लिए चमकीले रंगीन कपड़े पहने हुए थे. ठीक, ये पैरा सभी को समझ आया? यस मैम. नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं. प्रीति साहू रीड करो. मैम कहाँ से है? मैं अभी अभी ज्वाइन की हूँ. ओके. फ्रॉम हिज बालकनी. यस मैम. फ्रॉम हिज बालकनी हिमागुची कॉल्ड हिज द वेस्ट सी कर्लिंग ओवर waves in the bright afternoon sun. Suddenly Himaguchi felt a slight movement. The house rocked 3-4 times and then stood still. Himaguchi had seen my earthquakes in his life and he was not frightened at all, and still he looked towards the sea. Mam, paragraph completed. Okay. From his balcony, Hamaguchi could see the vast sea curling over waves in the bright afternoon sun. Suddenly, Hamaguchi felt a slight movement. देखिए, vast means होता है बड़ा, और suddenly means होता है अचानक, slight movement means होता है थोड़ी हलचल, और frightened means होता है डर या भय. ठीक है, तो अपनी बालकनी से Hamaguchi ने दोपहर चमचमाती धूप में देखा. देखा कि विशाल सागर पर लहरें ऊपर घूमड़ रही हैं. मतलब समुद्र का जो पानी है वो लहर लिए हुए ऊपर की तरफ दिख रही थी. ठीक है. सडनली Hamaguchi felt a slight movement, मतलब अचानक से जो Hamaguchi था थोड़ा उसने थोड़ा हलचल महसूस किया. ठीक है. द हाउस रॉक्ड 3-4 टाइम्स एंड देन स्टूड स्टिल. Hamaguchi had seen many earthquakes in his life and he was not frightened at all until he looked towards the sea.
अचानक हामागुची ने थोड़ा हलचल महसूस किया, घर 3 या 4 बार हिला, फिर शांत हो गया। हामागुची अपने जीवन में कई भूकंप देख चुका था और वह इस सबसे बिल्कुल भी डरा नहीं था, जब तक वह समुद्र की ओर नहीं देखा। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अन्नू महिलांग रीड करो। ओके मैम। The sea had become a magnesium dark green and very round. The tread the has changed. All of a sudden, interested on the whales rolling on the beach. The water was now running away from the beach. The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more on the pencular and straight stick. None of them know what this strike this. Meant, but the old man on the mountain side had seen on such strike when he was the little boy. He knew what the sea would do. There was no time to send a message to the villages, nor to run the bell in the temple, and yet he knew that the people on the seashore had to be worried. Mam, paragraph completed. Okay. The sea had become a menacing dark green and very rough. The tide had changed all of a sudden. Menacing means होता है डराने वाला या धमकाने वाला, rough means होता है जो थोड़ा अलग लगता है, खुरदुरा, ठीक है, ये थोड़ा अलग जो लगता है, sudden means अचानक या एकाएक। समुद्र डराने वाला गहरा हरा हो चुका था और बहुत अलग लग रहा था। ज्वार भाटा एकाएक चेंज हो गया था। इंस्टेड ऑफ द वेव्स रोलिंग ऑन टू द बीच द वॉटर वॉज नाउ रनिंग अवे फ्रॉम द बीच। लहरें समुद्र किनारे तक चलने के बजाय पानी अब समुद्र किनारे से बाहर दौड़ने लगी थी। The villagers stopped dancing and ran towards the seashore to see more of the peculiar and strange sight. None of them knew what this strange thing meant. Instead of मतलब के बजाय, towards मतलब होता है की ओर, और पिक्यूलियर मीन्स होता है असाधारण या अनोखी, स्ट्रेंज मीन्स होता है विचित्र या भयानक। ठीक, तो क्या हुआ कि जो लोग ग्रामीण जो थे जो डांस कर रहे थे उन्होंने नृत्य करना बंद किया और समुद्र तट की ओर अधिक अनोखे और विचित्र दृश्य को देखने के लिए दौड़े। कोई नहीं जानता था इस अनोखी चीज का मतलब क्या था। But the old man on the mountain side had seen one such sight when he was a little boy. लेकिन जो बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है, पर्वत के बाजू में रहने वाला बूढ़ा व्यक्ति कुछ ऐसा दृश्य देख चुका था जब वह एक छोटा बच्चा था। He knew what the sea would do. There was no time to send a message to the village, nor to ring the bell in the temple, and yet he knew that the people on the seashore had to be warned. इसका मतलब ये है कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो कुछ ऐसा दृश्य देख चुका था जब वह एक छोटा बच्चा था और वह जान गया था कि समुद्र क्या करेगा। हाँ, गांव में संदेश भेजने को समय नहीं था, ना ही मंदिर में घंटी बजाने का, और तथा वह जानता था कि समुद्र तट पर लोगों को चेतावनी देना था, मतलब कुछ दुर्घटना होने वाली थी, ठीक है, सुनामी आने वाली थी जिसका लोगों को जिसके बारे में लोगों को बताना जरूरी था। और लोग कहाँ चले गए थे, समुद्र के किनारे चले गए थे समुद्र की लहरों को देखने के लिए, ठीक है। अब इतना टाइम नहीं था कि लोगों को चिल्ला के आवाज लगा के उन्हें बुलाया जा सके, या कोई मैसेज भेजने का कोई तरीका नहीं था, घंटी बजाने का टाइम नहीं था, ठीक है। तो उसने क्या किया फिर, योन ही कॉल्ड हिज ग्रैंडसन, लाइट अ टॉर्च क्विक। उसने क्या कहा, अपने पोते, उसके पोते का नाम क्या, योन, वह अपने पोते को बुलाया, एक मशाल जलाओ जल्दी, ठीक है। उसने क्या कहा, एक मशाल जलाओ, मशाल सभी को पता है ना। यस मैम, यस मैम, ठीक।
नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, झलक रीड कीजिए। प्रीति निषाद। यस मैं रीड करूं। द यंग बॉय वाज रीड करो। द यंग बॉय वाज पजल बट ही आस्क्ड नो क्वेश्चन। He lit the torch at once. The old man ran to the fields where hundreds of rice sacks were stacked. He ran from one sack to another, applying the torch to each. The rice sacks caught fire quickly. Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the cloud in the sky. Ma'am, complete. The young boy was puzzled, but he asked no questions. जो लड़का था, युवा बालक था, वो उलझन में था, puzzled मतलब कंफ्यूज था, ठीक है, लेकिन उसने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं पूछा। He lit the torch at once. The old man ran to the fields where hundreds of rice sacks were stacked. सेक्स मतलब होते बोरे, ठीक है, जो अनाज से भरा हुआ था। स्टॉक्ड मतलब होता है ढेर लगे थे, ठीक है। तो क्या किया, वह तुरंत एक मशाल जलाया। बूढ़ा आदमी खेतों की ओर दौड़ा जहां सैकड़ों धान के बोरे इकट्ठे करके रखे थे। He ran from one sack to another, applying the torch to each. The dry sacks cut fire quickly. Soon the flames were shooting upwards and the smoke was rising in great columns to join the cloud in the sky. क्या किया उसने, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वह हर एक बोरे को आग लगाते हुए एक बोरे से दूसरे की ओर दौड़ा। सूखे बोरे पर आग जल्दी पकड़ लिया, जल्द ही आग की जो लपटे थे वो ऊपर उठ गए और धुआं बड़े स्तंभ के रूप में आकाश में बादल से मिलने उठने लगी। मतलब आग का जो आग जो थी वो ऊपर तक बढ़ने लग गया था, ठीक है। Yon ran after his grandfather shouting and crying, grandfather why are you setting fire to the rice? मतलब Yon जो था अपने दादाजी के पीछे आवाज लगाते और चिल्लाते हुए दौड़ा, दादाजी आप धान को आग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राम हम देखते हैं, द ओल्ड मैन हैड टू किसी को रीड करना है, स्नेहा सिंह। मैं माइक कर रही।